नमस्कार मित्रों, नूतन कहानियाँ चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत। मित्रों, आज मैं आपके लिए छांदोग्य उपनिषद से एक कथा लाया हूँ जिसका शीर्षक है सत्यकाम जाबाला। प्राचीन काल में जाबाला नाम की एक निर्धन दासी रहती थी। उसका जाबाल नाम का एक पुत्र था। जाबाला दिन भर कड़ा परिश्रम कर अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। उसने अपने पुत्र को भी सदा सत्य बोलना सिखाया था। जाबाल बहुत ही जिज्ञासु था। जाबाल में शिक्षा प्राप्त करने की बहुत उमंग थी। एक दिन उसके नगर में गौतम ऋषि आए। वे स्नान करने नदी पर गए तो वहाँ घाट पर उन्होंने एक बालक को देखा जो कई मंत्र दोहरा रहा था। गौतम ऋषि त्रिकालदृष्टि थे। उन्होंने तुरंत उस बालक के विषय में सब कुछ जान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसको अपने पास बुलाया और उसका परिचय पूछा। उसने अपना परिचय बताया कि वो जाबाला का पुत्र जाबाल है। ऋषि गौतम ने पुनः कहा, पुत्र, तुम बहुत जिज्ञासु और बुद्धिमान प्रतीत होते हो, मुझे अपना गोत्र बताओ। उस बच्चे ने उत्तर दिया, ऋषिवर, गोत्र तो मुझे ज्ञात नहीं, अभी माता से पूछकर बताता हूँ। वो भागकर माता के पास आया। जाबाला एक दासी थी। वह स्थान स्थान पर कार्य कर अपना जीवन यापन करती थी। बालक ने माता से ये सब प्रकरण बताया और अपना गोत्र पूछ लिया। माता ने कहा, जाओ पुत्र, ऋषि से कहना कि मेरी माता जाबाला एक दासी है, सब स्थानों पर सभी प्रकार से सेवा करती थी। उन्हीं दिनों मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता को ज्ञात नहीं कि मेरे पिता कौन हैं और उनका गोत्र क्या था। बालक ने अक्षरंश यही बात ऋषि को बता दी। ऋषि ने कहा, मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूरा विश्वास है। उसके बाद गौतम ऋषि ने सत्यकाम का उपनयन संस्कार किया। गौतम ऋषि बोले कि आज से मैं तुम्हें नया नाम देता हूँ। आज से तुम सत्यकाम जाबाल यानी सत्य में रुचि रखने वाला जाबाला का पुत्र के नाम से जाने जाओगे। इस प्रकार सत्यकाम का नाम गौतम ऋषि के द्वारा प्रदान किए गए नाम से हुआ। कुछ वर्षों तक वो गुरुजी की सेवा करता रहा तो गुरुजी ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। गौतम ऋषि ने उसको 400 गायें दी और कहा, सत्यकाम जाबाल, जब ये गाय 1,000 हो जाए तब मेरे पास आ जाना। उस समय परीक्षा आज के समान नहीं होती थी। गुरु बहुत कठिन माध्यमों से अपने शिष्यों को आंकते थे। सत्यकाम उन्हें लेकर जंगल में ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां हरियाली और जल प्रचुर मात्रा में थे। वे बड़े परिश्रम से गायों की सेवा में जुट गया। कई वर्षों तक वे सिंहों, बाघों आदि से अपने गाय की रक्षा करता रहा। एक दिन अचानक एक बैल मनुष्य की भांति बोला, हमारी संख्या अब 1,000 हो गई है, अब हमें आचार्य जी के पास ले जाओ। उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा ज्ञान देता हूँ। तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हुआ और बैल ने ज्ञान की कई बातें बताईं। बैल के रूप में प्रत्यक्ष वायुदेव ही बोल रहे थे। उन्होंने सत्यकाम को ईश्वरीय ज्ञान के 1/4 भाग का उपदेश दिया। वे बोले, अब तुम्हें आगे का ज्ञान अग्नि देवता देंगे। वायु देवता के आज्ञा अनुसार अगले दिन सत्यकाम गायों को लेकर आश्रम की ओर निकला। मार्ग में सायंकाल हुई तब उसने गायों को बांधा, अग्नि प्रज्वलित की और उसमें समीदा डालने लगा। अग्नि देवता प्रसन्न हुए और बोले, सत्यकाम, मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का 1/4 भाग बताता हूँ, इसके बाद का ज्ञान तुम्हें हंस देगा। अगले दिन सायंकाल सत्यकाम ने गायों को बांधा, अग्नि प्रज्वलित की एवं उसमें समीदा डालने लगा। इतने में वहाँ एक हंस उड़ता हुआ आया और बोला, सत्यकाम, मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का 1/4 भाग बताता हूँ, इसके बाद का बाकी ज्ञान तुम्हें पंडुबा पक्षी बताएगा। हंस के रूप में तो प्रत्यक्ष सूर्य ही बोल रहे थे। अगले दिन फिर सायंकाल के समय सत्यकाम ने गायों को बांधा, अग्नि प्रज्वलित की और वह उसमें समीदा डालने लगा। इतने में वहाँ एक पंडुबा पक्षी उड़ते हुए आया और बोला, सत्यकाम, मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का 1/4 भाग बताता हूँ, प्राण देवता ने ही इस पक्षी का रूप ले लिया था। इस प्रकार गुरु के आश्रम तक पहुँचने तक सत्यकाम जाबाल मात्र 4 दिन में ही ब्रह्मज्ञानी बन गया था। उसे दूर से देखकर ही गौतम ऋषि सब कुछ समझ गए। उसके मुखमंडल पर ज्ञान की आभा दमक रही थी। गौतम ऋषि को ज्ञात था मार्ग में क्या हुआ, फिर भी परिहास में बोले, वत्स, तू तो बड़ा ज्ञानी लग रहा है, अवश्य किसी और से ज्ञान लेकर आया है। जाबाल अपने गुरु के चरणों में गिरकर बोला, आप ही मेरे गुरु हैं,
मार्ग में कुछ जीव मिले जो मनुष्य नहीं थे, उन्होंने मुझे अवश्य ज्ञान दिया, लेकिन आपके ज्ञान दिए बिना मेरा उद्धार नहीं होगा। फिर गुरुजी ने सत्यकाम जावाल को और भी ज्ञान की बातें सिखाईं। गुरुजी ने अपने अन्य शिष्यों को बताया कि सत्यकाम जावाल ने गुरु की आज्ञा पूर्ण की और बिना वेद के अध्ययन के, बिना पठन पाठन के समस्त ज्ञान प्राप्त किया है। इसके ज्ञान देने के लिए बैल, हंस और जल मुर्ग आए थे। बाद में गौतम ऋषि ने सत्यकाम जावाल को ही अपने आश्रम का आचार्य बना दिया और स्वयं अपनी धर्मपत्नी के साथ तपस्या के लिए चले गए। आगे चलकर यही सत्यकाम बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए और उनसे शिक्षा ग्रहण कर कई शिष्य ज्ञानी बने। इस प्रकार सत्यकाम जावाल की कहानी हमें छांदोग्य उपनिषद में पढ़ने को मिलती है। आशा करता हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने नूतन कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।